हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो दिस इज़ अजय एंड आज हमारा परसेंटेज का लेक्चर नंबर 3rd है। आप सब बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पांस है, आप लोग बच्चे मेहनत कर रहे हो। जो भी बच्चा जो बेसिक क्लासेस स्टार्ट करके अभी तक मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा कर रहा है। वैसे मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस नहीं करवाई है, वो करनी चाहिए थी आपको भी। मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको डेली करना चाहिए था एक टेबल, ठीक है। चलिए मैं आज से वो स्टार्ट कर दूंगा, आपको होमवर्क देना ताकि थोड़ी सी प्रैक्टिस बनी रहे। बाकी परसेंटेज के आज हम बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। आज से हमारा सही से पहला क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। बेसिक आपने बहुत सीख लिया, अभी एक छोटा सा बेसिक बचा, वो बीच में कभी हम सीखेंगे। चलिए मैं इस क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ जो मैंने आपको स्क्वायर और क्यूब रूट करने के लिए दिए थे। पहला क्वेश्चन देखिए, मुझे क्या करना है, स्क्वायर करना है, ठीक है। तो लास्ट में देखो 6 किसके आता है, जहाँ तो 4 के स्क्वायर में या 6, इसका मतलब लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, शुड बी 4 और 6। बचा हुआ नंबर किसके स्क्वायर के पास है, अगर मैं 12 का स्क्वायर करूँ तो 144, 13 का स्क्वायर 169, इसका मतलब छोटा ही रखना, 12 तो आएगा ही आएगा। दोनों में कौन आएगा ये डिसाइड करेगा, 12 और 13 के स्क्वायर के बीच में नंबर है तो किसके ज़्यादा पास है, 12 के स्क्वायर 144 की 169, तो 144 के ज़्यादा मतलब छोटे वाला आएगा तो 4 आंसर आ जाएगा, 124। लेकिन पॉइंट देख लो, स्क्वायर रूट में क्या होता है, जितने पेयर उतने, एक पेयर दो पेयर। और पीछे बच्चे ने क्वेश्चन पूछा सर काउंट कहाँ से करना, पॉइंट हमेशा लास्ट से काउंट करना होता है, दो दो चार, इसका मतलब दो पेयर बने तो दो नंबर के बाद उल्टी साइड से, एक दो यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 किसके, या तो 4 या 6 के लास्ट में आएगा, दो नंबर चले गए। बचा हुआ नंबर किसके स्क्वायर के पास है, 9 का स्क्वायर 81, तो 9 आएगा। अब 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, किसके ज़्यादा पास है, 81 से 90 कितना, 81 से 92 11 का फ़र्क है, और 100 के ज़्यादा पास है मतलब बड़ा नंबर, तो आंसर आ गया 96 का स्क्वायर है। पॉइंट कहाँ लगना है, देखिए पॉइंट कहाँ लगना है, पॉइंट है ही नहीं इसमें, तो 96 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3rd, क्वेश्चन नंबर 3rd क्या बोल रहा है, 33.64 इसका करना है। लास्ट में देखो 4 है तो डेफिनेटली 2 का स्क्वायर, और 2 और 8 कितना होता है, 10। बच्चे ने बोला सर 8 क्यों लिखा है, तो मैं इसलिए लिखता हूँ, ये सिर्फ ट्रिक है याद करने की, कि अगर आपको 2 के स्क्वायर के लास्ट में 4 आता है और 2 में कितना जोड़ 10 होता है, 8, तो 8 के स्क्वायर के लास्ट में 4 आएगा, याद करने का एक तरीका था, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। बचा हुआ नंबर किसके स्क्वायर के पास है सर, 5 के स्क्वायर के, क्योंकि 6 का स्क्वायर तो ऊपर चला जाएगा, लेकिन ये जो बचा हुआ नंबर ये 5 के ज़्यादा पास है 6 के स्क्वायर के, तो आंसर होगा सर 6 के स्क्वायर के ज़्यादा पास है, इसका मतलब 5 और 6 के बीच में था, तो 6 के ज़्यादा पास बड़े नंबर के पास, तो बड़ा नंबर लिख दो 8, 58, और एक पेयर बना उल्टी साइड तो 1 के पास स्क्वायर लगा दो उल्टी साइड से। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 सिर्फ 1 में या 9 में आएगा लास्ट में, दो नंबर के। बचे हुआ 47 किसके स्क्वायर के पास है, 7 का स्क्वायर 49, 7 की बात नहीं बनेगी, 6 लिखना पड़ेगा। अब ये ज़्यादा पास किसके था, 6 का स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बीच में ना, तो ज़्यादा पास किसके है, 7 के मतलब बड़े नंबर के, तो 9 लिख दो। पॉइंट कितने के बाद देखो, 1 2 3, मतलब 3 पेयर है, 3 नंबर के बाद 1 2 3, ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब मुझे करना है क्यूब रूट, तो क्यूब ज़्यादा आसान है, किसके लास्ट में 5 आता है, सिर्फ 5 में, तो 3 नंबर चले गए। बचा हुआ 3 किसके क्यूब के पास है, ये ज़्यादा आसान था, एक बच्चे को क्यूब समझ नहीं आई थी, तो लास्ट में किसका क्यूब करने से लास्ट में 5 आता, मैं लिखवाया था 1 से लेकर 9 तक, ठीक है। तो 5 के क्यूब में लास्ट में 5 आएगा, लास्ट नंबर 5 है, 3 नंबर चलेगा क्योंकि क्यूब कर रहा हूँ। बचा हुआ किसके क्यूब के पास है, 8 का क्यूब 512 होता है, 9 का करूँ तो वो आगे चला जाएगा 729, वो हमें नहीं लेना है, ठीक है। तो आंसर आ गया 85। पॉइंट कितना, क्यूब रूट में 3 नंबर का एक पॉइंट बनता है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 नंबर है ना, 1 के बाद पॉइंट लगाओ, ये आंसर आ गया 8.5। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 किसके लास्ट में आता है, 6 के स्क्वायर में लास्ट में आता है, 6 के क्यूब में, सॉरी 3 नंबर चले गए। बचे हुए 3 का किसके क्यूब के पास है, 8 का क्यूब 512, 9 का 729, तो 8 का लिख दो, तो नंबर 1 ही पेयर बन रहा है 3 का, तो 1 के बाद पॉइंट। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी 6 आएगा। बचा हुआ नंबर किसके क्यूब के पास है, आप बोलोगे 5 के, क्योंकि 6 का क्यूब 216 हो जाएगा, तो पॉइंट कितने के बाद, एक पेयर बना 3 का और 3 का 2, तो 2 के बाद हमेशा उल्टी साइड से पॉइंट लगाना है, ठीक है, लेफ्ट से राइट हैंड से लेफ्ट की साइड चलना है। यहाँ पे देखिए 8 किसके लास्ट में आता है, आप बोलोगे सर 2 के क्यूब में, 3 नंबर चले गए। बचा हुआ किसके क्यूब के पास है, 3 का क्यूब 27 होता है, 2 का क्यूब ले लो, फिर ऊपर नहीं जाना है। पॉइंट कितने के बाद, एक पेयर बना 3 का, 2 पेयर बने 3 के, यहाँ पे हमने कहीं गलत कर दिया, चलिए पॉइंट आगे बढ़ा देते हैं, ऐसे कर देते हैं, 3 पेयर बनने हैं, ठीक है, तो ऐसे आंसर लगा देना, अगर क्वेश्चन गलत हो देख लेना। इसको देखिए, किसके क्यूब के लास्ट में 2 आता है, किसके क्यूब के लास्ट में 2 आता है, 1 के क्यूब में 1, 2 के क्यूब में 8, 3 में 27, 4 में 64 का 4, और 5 में 125, 16, और ये आता है आपके 8 के क्यूब में, क्योंकि 8 के क्यूब में कितना आता है 512, लास्ट में कितना आ गया 2, तो इसका मतलब 8 आ गया लास्ट में,
उसके बाद बचा हुआ नंबर किसके क्यूब के पास है? सर 3 के क्यूब 27, 4 का क्यूब तो ऊपर चला गया, पीछे रहना मुझे। तो पॉइंट कितने के बाद? एक पेयर, दो पेयर, तो दो के बाद 3 का पेयर बनाना होता है। यहाँ पे देखिए लास्ट 1 के क्यूब में एक आता है, बचा हुआ नंबर सीधा सीधा 1 का क्यूब बन रहा है, तो पॉइंट एक और दो पेयर के बाद, तो पॉइंट। ये है मेरे क्वेश्चन के आंसर जो मैंने आपको दिए थे, और आई होप कि आप पे मैक्सिमम बच्चों के आंसर सही थे। बाकी आप बच्चे बोलते सर चेक करके बताओ, तो बेटा एक एक का चेक तो नहीं कर सकते, लेकिन आपको देखिए जैसे मैंने करवा दिया इसके आंसर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। कल के लिए आपको क्या करके मुझे सेंड करना, देखो इसका होमवर्क भी लिख लो, ये टेबल दे रहा हूँ आपको। प्रैक्टिस तो डेली करनी पड़ेगी आपको 10 दिन, ये टेबल आपको फिल करने का। इस देखो पहला मानिस का टेबल है, ये नंबर है, इसमें से इसको निकालो, फिर इसमें से 38 को निकालो, फिर 92 में 62 को नीचे लिखते जाओ, यहाँ तक आना आपको, ये पूरा टेबल है। फिर प्लस वाला, इसमें इसको प्लस करो, मैंने पहले ही बता दिया, पहली क्लास देखना, प्लस माइनस की टेबल कैसे फिल करना है मैं सिखा चुका हूँ। जैसे 213 को पहले 217 में ऐड करना, यहाँ लिखना है, फिर 213 को इसमें ऐड करो, फिर यहाँ लिखो, इसको इसमें करो, यहाँ लिखो, ऐसे यहाँ 110 तक करना आपको, फिर 314 पकड़ लो, तो करते जाओ, ये पूरा टेबल फिल करना है, और मल्टीप्लाई का टेबल भी फिल करना है, ठीक है। इसको फिल करने के बाद आपको सेम मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है, डेट इज़ डेली आपको प्रैक्टिस करनी है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना मैथ अच्छा हो जाएगा, मैथ में आपका डर निकल जाएगा, टेंशन बिल्कुल नहीं। सो चलिए गाइज, हम परसेंटेज का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, जिसके थ्रू आप लोग क्वेश्चन को दिमाग में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। परसेंटेज कैसे हम माइंड में बना सकते हैं ये भी हम सीखेंगे, और डिफ़िकल्ट परसेंटेज कैसे बना सकते हैं उसके लिए मैं आपको परसेंटेज फ्रैक्शन पहले ही बता चुका हूँ। फिर हम पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, बिल्कुल बेसिक चीज़ें, इसमें आपका परसेंटेज प्रैक्टिस भी होगा और साथ साथ क्वेश्चन भी आप सीखोगे। और दूसरी चीज़, अगर आपके सिलेबस में परसेंटेज नहीं भी हुआ तो भी ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना मैथ तो चलेगा ही नहीं। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, CISI जिसको कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, और डाटा इंटरप्रिटेशन, ये चार चैप्टर ऐसे हैं जिसके बिना तो मैथ बन ही नहीं सकता। तो अगर चारों में एक भी चैप्टर हुआ तो भी परसेंटेज पढ़ना पड़ेगा, और मुझे लगता है चारों चैप्टर होंगे एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इसलिए आपको परसेंटेज को सीखना है ईमानदारी से। मैंने पहले ही बोल दिया कि जो स्टार्टिंग की चीज़ें होती हैं ये आपको कोई भी नहीं करवाता है, हम इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि इसके बिना मैथ चलता ही नहीं है। तो अगर आप इसको पढ़ लोगे तो मैथ आसान हो जाएगा। बार बार क्यों बोलता हूँ, जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं उनको भी पता चले कि पिछली क्लासेस देखनी है, 5 बेसिक क्लासेस उसके ऊपर प्रैक्टिस, आज भी आपको प्रैक्टिस मिली है उसको भी करना आपको, ठीक है। स्पेशल इसको दो दो बार करो, खुद भी कॉपी पे लिख के टेबल बनाओ, करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी परफेक्शन आ जाएगी। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखिए यहाँ पे, अगर मैं बोलूँ 10% ऑफ 2000 और अगर मैं बोलूँ 1% ऑफ 2000, ध्यान से समझना क्योंकि यहाँ से मैं एक कंक्लूजन निकालूंगा, क्योंकि मैथ आपका कुछ नहीं है, ये क्या है, सिंपली योर थिंकिंग है कि आप कैसे सोचते हो, अपने अपने दिमाग को कैसे ट्रेन किया है, बस यही आपका डिपेंड करता है कि मैथ कैसा है। देखो मैथ बहुत आसान है, मैं आपको मैक्सिमम 4 से 5 टाइप में पूरा मैथ करवा दूंगा, मतलब 4 से 5 टाइप में पूरा मैथ खत्म हो जाएगा, 4-5 टाइप कोई भी फट सकता है, उसी के ऊपर हम कमांड करेंगे। 10% निकाला, अगर मैं इसका बेसिक से चलूँ तो आपको मैंने सिखाया था 10% की फ्रैक्शन 1/10 होती है, मैं सीधा 1/10 लिख दूँ, चलिए नहीं भी लिखेंगे तो आप बेसिक बना के देख लो, परसेंटेज ब्रेक किया नीचे 100 आ गया, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 2000 का 2000 रहा, 0 से 0 कट गया, तभी तो मैं लिख रहा था 1/10, क्योंकि 10% का मतलब 1/10 होता है, पहले ही सिखा चुका हूँ, इसलिए मैं परसेंटेज को, फ्रैक्शन को कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। अब आप देखेंगे 1 0 से 0 कट गया, इसका मतलब आंसर आ गया 200, लेकिन अगर मैं बात करूँ 1% की तो 1% की परसेंटेज ब्रेक की तो नीचे आ गया 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 2000 का 2000, और आपने देखा कि 2 0 कट गए। इन दोनों बातों से बताइए मुझे क्या कंक्लूजन निकला, इन दोनों बातों से कंक्लूजन ये निकला, इन दोनों बातों से एक मैंने कंक्लूजन ये निकाला कि अगर आपको 10% निकालना है तो क्या करना है आपको, लास्ट का 0 रिमूव करना है। आपने देखा 2000 का 10% निकालना हो तो क्या करना होता है, बस 1 0 हटा दो, वो उसका 10% होगा, कितना आंसर आ गया 200। मतलब किसी भी नंबर का 10% निकालोगे तो पेन को हाथ नहीं लगाना है, सिर्फ देखिए 1 0 हटा दिए वही उसका 10% होता है। मैंने देखा कि अगर 1% निकालना है तो 2 0 हटा दो, मतलब 10% निकालना है, लास्ट के 2 डिजिट हटा दो जो कि 0 होने चाहिए, और अगर 1% निकालना 2 0 हटाओ, अगर 10 निकालना तो 1 0 हटाओ, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए बोलता हूँ,
और अगर 1% निकालना है लास्ट, 2 0 रिमूव, ये बात याद रखना। मैं बोलता हूँ 1000 का 10% कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 1 0 हटा दो, आंसर आ जाएगा 100। कितना आ जाएगा? 100। मैं बोलता हूँ 1000 का 30% कितना होगा, अब देखो मैं 30 भी डायरेक्ट कर पा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे 10% निकालना आता है। 10% कितना होगा इसका? 100, 1 0 हटना 100। अगर 10% 100 है तो 20% 200, 30% 300, मतलब 10% को 3 बार ही तो ऐड करना था, तो कितना आ गया? 300 आ गया। आपने देखा 10% की वजह से मैंने 30% भी डायरेक्ट निकाल लिया बिना पेन लगाए। मैं बोलता हूँ बताइए 204 का 10% कितना होगा? 10% ऑफ 204। अब आपने ये सीखा था कि सर लास्ट में 1 0 हटा दो वो कितना होता है, वो 10% होता है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि 0 है ही नहीं है, तो अगर 0 कटने के लिए नहीं मिलेगा तो गाइज एक नंबर के बाद बस सिंपली पॉइंट लगा दो, क्योंकि नीचे एक 10 आता है ना एक्स्ट्रा खाली, तो इसी को तो काटना होता है, नहीं कटेगा तो ये पॉइंट लगा देगा अपनी जगह। तो 20.4 कितना होगा इसका? 10% होगा। मैं बोलता हूँ इसका 10% निकालो, 1 0 हटाओ, 124 आ जाएगा। मैं बोलता हूँ मान लीजिए 122 का 10% कितना होगा? सर 10% के लिए 1 0 को रिमूव करना है, नहीं दिख रहा 0 तो एक बार पॉइंट लगा दो, इसका 10% हो जाएगा। मैं बोलता हूँ 122 का 1% निकालिए, तो आपने बोला सर 1% के लिए मुझे 2 0 काटने होते हैं, लेकिन 2 0 तो मुझे नहीं दिख रहे, कोई बात नहीं मैं 2 के बाद पॉइंट लगा दूंगा, डेट विल बी द 1%। तो 1% 10% निकालना आ गया सबको, कैसे करना है? 10% के लिए 1 0 हटा दो, 0 नहीं हट रहा लास्ट में तो पॉइंट लगा दो, 10% बन गया, 1% निकाल लिया। अब इसका फ़ायदा क्या है ये भी सीख लो अब, क्योंकि डायरेक्ट कैलकुलेशन करनी हो ना जब माइंड को यूज़ करना हो, तो ऐसे ही होता है कि आपको चीज़ों के ऊपर काम करना पड़ेगा, जब तक नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा, ठीक है, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, सीख के जाएंगे, ठीक है। मैं बोलता हूँ चलिए 22% निकालिए 1200 का। अब देखो मैं इसको बिना पेन लगाए निकाल सकता हूँ किस टेक्निक से, जो मैंने आपको 10 और 1% निकालना सिखाया। पहले मैं इसको बेसिक से बना के बता रहा हूँ, एक तो तरीका ये रहेगा कि 22/100 करो ऑफ, और यहाँ पे 1200 2 0 से 0 काट दो और 22 को 12 के मतलब आंसर आ जाएगा, बट मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे आपको नहीं करना। फिलहाल मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, दिमाग को कैसे इस्तेमाल करना है। मैंने बोला कि आप पहले दिमाग में सोचो 10% कितना होगा, आपके दिमाग में आया सर 1 0 हटाना था, 120 आ गया, इसमें दिमाग तो लगना ही नहीं है, बस 1 0 ही तो हटाना होता है, एक सिंपली 0 तो रिमूव करना 10%, यही तो मैं आपको सिखा चुका हूँ। अगर 10% 120 है तो मुझे कितना चाहिए? मुझे तो 22% चाहिए, अभी तो 10 ही हुआ, एक 10 और ले लो, कितना हो गया 120 और ले लो, क्योंकि 10% 120 होता है। अभी भी 22% नहीं पहुंचा, स्टिल 2% बाकी है, 2% निकालना मैंने आपको नहीं सिखाया, जैसे मैंने 10 से 20 बना लिया वैसे मैं 1% कितना है, 1% में 2 0 हटते हैं, 1% में 12 होगा, तो 1% एक और ले लो, 12 और ले लो, तो मुझे पता चला ये टोटल बन गया 22%। यहाँ टोटल कितना बना? 240, 252 और 264, 264 इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये सब लिखना नहीं है आपको, इसके लिए दिमाग यूज़ करना है। कैसे? मैं सीधा बोलूँगा 10% 120, दिमाग में रख लिया 10% 120, इसलिए मैंने आपको एडिशन करना सिखाया था। अगर 10% 120 है, मुझे 22% चाहिए, 10 और 10 20% कितना हो जाएगा? 240, क्योंकि 10% 120, 20% 240, 240 हो चुका है, अब 2% और चाहिए, 1% 12 है, 2% 24 होगा, 240 में 24 जोड़ दो तो कितना हो गया? 264। तो विदाउट यूजिंग पेन मैं इसको लिख सकता हूँ, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन विदाउट यूजिंग पेन, क्यों? क्योंकि मेरे को 1% निकालना आता है, मेरे को 10% निकालना आता है, इन दोनों की मदद से मैं कोई भी नंबर निकाल सकता हूँ। एक एग्जांपल और देखिए, जैसे मैं बोलता हूँ 26% ऑफ 2400, तो कैसे निकालेंगे? अब इसके लिए मैं दिमाग यूज़ करूँगा, सीधा सीधा पेन तो लगाना ही नहीं है। स्टार्टिंग की स्टेज में कोशिश करो, क्या करो, पेन को रिमूव करो, लेकिन पेन रिमूव इतनी आसानी से नहीं होगा, इसके लिए पहले दिमाग के अंदर चीज़ों को बैठाना पड़ेगा, बेसिक कैलकुलेशन दिमाग में आनी चाहिए। इसलिए मैं आपको लास्ट वीक से क्या करवा रहा हूँ, सिर्फ बेसिक करवा रहा हूँ, बस आपकी आप लोग से इतनी सी रिक्वेस्ट है कि दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, आपका रिस्पांस कम है, रिस्पांस अच्छा होगा तो हम आपको अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, अगर रिस्पांस अच्छा नहीं हुआ तो फिर बाद में हम भी कोई डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें बच्चों को पढ़ाना है, अगर बच्चे तो भी यहाँ पे
व्यूज़ कम आते हैं, मतलब बच्चे कम आते हैं, व्यूज़ से कोई लेना देना नहीं, लेकिन आप बच्चों को रिस्पांस कम आता है तो हमें भी पढ़ाने में मज़ा नहीं आता है। जितना अच्छा रिस्पांस होगा उतना हमारा भी अच्छा रिस्पांस होगा, आपको बेटर से बेटर कंटेंट देंगे। ठीक है, 26% निकाला है, चलिए पहले मैं निकालता हूँ इसका 10% कितना आ गया 240, फिर मैंने निकाला 20% 10 और ले लिया 240, 240 कितना होगा 480, मतलब मैं 20% तक पहुँच चुका हूँ जो कि 480 हो चुका है। अब मुझे कितना चाहिए, 6% और चाहिए, 6% निकाला, मैंने आपको सिखाया ही नहीं, मैंने आपको बोला कि 1% तो निकालना सिखा दिया, 10% निकालना पता था, 10% है 240, लेकिन मुझे कितना चाहिए, मुझे 5 और चाहिए था, मुझे 26 में 20 आ चुका है, 5 चाहिए, तो इसका 5 कैसे बनेगा, 10% 240, 5% कितना होगा, इसका आधा किया, इसको भी आधा कर दो, कितना होगा 120, तो 5% एक्स्ट्रा और ले लिया जो कि 120 आया, मेरा 120 आ चुका है, कितना हो गया ये 600 हो गया। अब मुझे 1% और चाहिए, तो 1% कितना होगा 24 होगा, तो 24 जोड़ दो, 624 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब ध्यान से सुनना मैंने किया क्या, मुझे निकालना था 26%, मैंने क्या किया 26% निकालने के लिए मैंने 10% निकाला वो आया 240, फिर मैंने 20% बना लिया उसी का 480 हो गया, फिर मैंने 5% और लिया, 10% 240 है तो 5% 120 होगा, 480 120 डेट विल बी 600, तो इसका मतलब 25% आ चुका है 600। अब मुझे निकालना है 1% और, क्योंकि 26 के लिए 1% बाकी था अभी, तो 1% तो 24 होता है, सामने दिख रहा है 2 जीरो हटाने हैं, आंसर कितना आ गया 624। सोचने के तरीके हैं, जैसे सोचोगे वैसे दिमाग आपका चलेगा। तो ये था आपका 5 और 10%, 1% कुछ भी निकाल सकते हो इस तरीके से। अब मैं आता हूँ बेसिक क्वेश्चन के ऊपर जो कि आपके चैप्टर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, अब आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं तो होपफुली आप अच्छे से रिस्पॉन्स भी करोगे और अच्छे से सीखोगे भी। चलिए इसका सोल्यूशन निकालते हैं। तो वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसको पहले बेसिक से कैसे सीखा बच्चों ने कि सर 3/5 को परसेंटेज बनाना है, तो मैंने सिखाया था मल्टीप्लाई 100 करना होता है। अब बच्चा इसको क्या करेगा, 5 से काटेगा, कटेगा 20 के साथ, डेट विल बी 60%। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आसान था, ठीक है आपने कर लिया, लेकिन बात इसमें बहुत बड़ी ये है कि जब कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट होगी तब इस चीज़ को मैं नहीं करूँगा। इसलिए आपको स्टार्टिंग में ही एक ही चीज़ पे कमांड करनी है, जिस मेथड पे कमांड करोगे उतनी उसमें स्पीड आएगी। इस मेथड पे आप कैलकुलेशन जब जहाँ से नहीं कटेगा फिर मुश्किल हो जाएगा, जैसे अगला क्वेश्चन देखो, नहीं कटेगा मुश्किल हो जाएगा। मेथड नंबर 2 क्या बोला, मैंने बोला था कि जैसे लास्ट जो सेकेंड लास्ट क्लास थी मेरी, सॉरी फर्स्ट क्लास जो अभी सेकेंड क्लास थी लास्ट परसेंटेज की जो दूसरे नंबर की, उसमें मैंने आपको प्रैक्टिस दिया था दो दो बार करने के लिए, उसमें जिस बच्चों ने किया था उसका रिस्पांस अभी बहुत अच्छा होगा, जिसने नहीं किया अभी भी उसको करो, और बेसिक क्लास जो पहली 5 उसको ईमानदारी से करो। अभी तक की जितनी क्लासेस हुई उतनी जितनी उसमें ईमानदारी दिखाओगे उतना अच्छा मैथ हो जाएगा आपका, ठीक है। हमें क्या करना है, जम्मू कश्मीर में बच्चों के माइंड से जो मैथ का डर बना है वो निकालना है। आप चाहे J&K लेवल देखो चाहे सेंटर लेवल देखो, ये सबसे बेस्ट मेथड होगा मैथ का, इस चीज़ की मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि मैंने भी सेंटर लेवल पे 5 साल पढ़ाया है, ठीक है, मैंने खुद SSC CGL दिया, CPO क्रैक किया, सब कुछ किया हुआ है, मुझे पता है कैसे पढ़ाना चीज़ों को, बस आप थोड़ी सी मेहनत करो, ठीक है। अब देखो इस मेथड पे हम क्या करेंगे, मुझे पता है कि 3/5 निकालना है, पहले मैं सोचूंगा दिमाग में, इसको लिखना नहीं, ये सिर्फ आपको सोचने के लिए बता रहा हूँ, ये मैं दूसरी क्लास में भी बता चुका हूँ। मैंने देखा कि सर 1/5 होता है 20%, लेकिन मुझे कितना चाहिए, मुझे चाहिए 3/5, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3/5 इधर बन गया, यहाँ पर कितना बना 60 बन गया, आंसर आ गया 60%। लेकिन इसको लिखना नहीं है, इसको लिखना नहीं है, रफ वर्क है, सिर्फ दिमाग में होने वाला है। मैंने देखा 1/5 होता है 20, 1/5 को एक्स्ट्रा 3 से किया, मैंने 20 को भी 3 से किया, आंसर आ गया 60। लिखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। इस क्वेश्चन को देखो, अब देखो इसको अगर मैं मेथड नंबर 1 से बनाऊंगा, अगर मेथड नंबर फर्स्ट अडॉप्ट करूंगा तो वो होगा सर 4/7 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो क्या नीचे कट रहा है, ये तो कट गया था आसानी, अब देखो दिक्कत होगी, ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 400/7, और इसको जब आप करोगे 7 × 35 कितना बच गया 5, 50 हो गया, 7 × 7 59, 1 बच गया 1/7, तो ऐसे बनेगा 57/7%। बट मैंने आपको क्या बताया कि आपको ऐसे नहीं करना है, आपको मेथड नंबर 2 पे आना है जो कि मैं आपको सिखा चुका हूँ। आपको निकालना है 4/7, दिमाग में सोचो 1/7 नहीं पता कि आपको कितना होता है 14 2/7%। अब आपको यहाँ से क्या बनाना है 4/7, तो एक्स्ट्रा 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 4 से कर दो,
चार मल्टीपल 14 56 और चार मल्टीपल 2 8 बटे 7, और यहाँ से एक साथ कंप्लीट है। लास्ट क्लास देखना समझ आएगा, ये आ गया 57। लेकिन ये सारा रफ वर्क है, इसको दिमाग में करना है। मैंने देखा 1/7 था 14 2/7, और 1/7 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 14 2/7 को भी 4 से कर दो, 14 को 4 से किया 56, 2 को 4 से किया 8, 56 8/7, उसमें एक पूरा था 57 1/7। आएगा दिमाग में, ये चीज़ें आएंगी आपकी, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो। तो ये पहले दो क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ये सिर्फ बेसिक प्रैक्टिस हो रही है और होपफुली आप इससे काफ़ी कुछ सीखोगे। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या बोल रहा है कि सिंप्लीफाई करना आपको 50% ऑफ 20% ऑफ 2500। इस क्वेश्चन को मैं दिमाग में करना भी बताऊँगा और आपको सिंप्लीफाई तरीके से बताऊँगा। चलिए पहले हम लोग करते हैं इसको सिंप्लीफाई। क्या बोला हुआ है 50% ऑफ, ये आपको उतारना नहीं है, सिर्फ आपके लिए लिख रहा हूँ खाली मैं 20% ऑफ। अब एक बात बताइए कि अगर मुझे 50% निकालना है, क्या 20% का 50% निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। जिसका निकाल सकते हो उसको देखो, पहले यहाँ से स्टार्ट होते हैं, लिख लो पहले। आपने देखा 2500 का कुछ नहीं कर सकता फिलहाल, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। ये बच्चों के लिए सिखा रहा हूँ जिसको बिल्कुल भी मैथ नहीं आता। 20% की फ्रैक्शन क्या बताई थी मैंने, 1/5, क्योंकि बाद में तो 20/100 करके काट के 1/5 लिखना है। 50% कितना होता है, 1/2 होता है। इसको करो सिंप्लीफाई, 5 × 10 होगा, 10 का 10 कट गया, आंसर कितना आ गया 250। बताओ मैंने आपको नीचे ऊपर डिवाइड करना सिखाया था, कर लो आप, 5 × 25 2 0 0 और ये कट गया 250 के साथ, आंसर कितना आ गया 250। लेकिन अगर मैं मेथड नंबर 2 की बात करूँ तो ये है वो मेथड जो आपका माइंड चलाएगा। हर बच्चे को जो मेरे पास पढ़ रहा है उसको मेथड नंबर 2 पे ज़्यादा फोकस करना है। मैं यहाँ पे देखो सीधा नहीं निकाल सकता था क्या, मैंने आपको 10% 1% निकालना सिखाया था। इसका 20% कितना होगा, 2500 का 20% होता है सर 500, क्योंकि 10% हो गया 250 और 20% 500। अब जो 500 इसकी जगह आ गया, इसकी जगह जो 500 आ चुका है, अब 500 का 50%, 50% मतलब होता है आधा, 500 का आधा कितना होता है 250। परसेंटेज नहीं आएगा, खाली 250 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है 250 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो बताइए छोटी सी बात समझ आई, मैं दोबारा से बता रहा हूं। यहां से सोचिए 250 का 20% कितना होता है, 10% 250 होगा, 2500 का 10% 250 और 20% 500, जो 500 बना इस 500 का 50% आधा 250 इसका आंसर आ जाएगा। इसको सोचने की कोशिश करिए, आसान क्वेश्चन है, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए, 37.5% ऑफ 6480। अब यहाँ पे देखो इसका सोल्यूशन निकाल देते हैं। अब आपको यहाँ पे 10% 1% वाला तो थोड़ा डिफिकल्ट लग जाएगा, तो दूसरे तरीके से निकाल लीजिए। 37.5 कितना होता है, इसका मतलब 37.5 होता है 37 1/2। अगर मुझे इसकी फ्रैक्शन वैल्यू पता चल जाए तो मेरी बात बन जाएगी। तो 37 1/2 को अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखूँ, इसको लिख सकता हूँ 37 × 2 74 1 75/2, और 75/2 का जब परसेंटेज ब्रेक करूँगा ये आ जाएगा नीचे 100, और ये कट गया 3, ये कट गया 4 के साथ, इसका मतलब 3/8। तो मैं इसको पहले ही बनाना सिखा चुका हूँ कि 37 1/2 की परसेंटेज क्या होती है। पहली बात तो 1/2 इस 1/2 के नीचे आता है खाली 1/2, जैसे 1/2 कितना होता है 50%, इसका मतलब 1/2 का तो बना ही नहीं है, और किसके नीचे 2 आता है? तो आप बोलोगे सर 12.5 या 12 1/2% के नीचे 2 आता है, बस बन गई बात। 12 1/2 को किससे मल्टीप्लाई किया हुआ है, 3 से, तो इसको भी 3 से कर दो, तो 3/8 इसकी फ्रैक्शन थी, इसलिए फ्रैक्शन आनी चाहिए। और ये इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है, पहले ही बता देता हूँ आपको, ये फ्रैक्शन इंपॉर्टेंट है। अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। आपने देखा कि 37 1/2 कितना होता है 3/8, परसेंटेज खत्म हो गया, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 6480। क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, बताइए क्या ये वही फॉर्म है जो मैंने आपको सिखाई थी? मैंने डिवाइड की क्लास में बोला था कि बेटा पूरे मैथ में 95% तो इसी फॉर्म पे काम करना है, इस पे मेहनत कर लो। यहाँ पे डिवाइड और मल्टीप्लाई हो गया, काम हो गया आपका, काम हो गया। 8 से कट गया, 8 × 8 64, 8 × 8 0 का 0, मल्टीप्लाई कर दो 3 × 0 0, 3 × 3 8 3 24, आंसर कितना आ गया 2430 2430 2, ऑप्शन नंबर सी, इसको ऑप्शन नंबर सी बनाते हैं।
ठीक है। चलिए, आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया। यहाँ से मैं आपको सिर्फ परसेंटेज के साथ थोड़ा सा फैमिलियर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप चीज़ों को थोड़ा सा रियलाइज़ कर पाओ, थोड़ा दिमाग पे स्ट्रेस दो। परसेंटेज मैं आपको सिखा चुका हूँ, उस दो क्लासेस के ऊपर बार 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 प्रैक्टिस करिए, लिखिए उसको, लर्न करिए वैल्यू को, क्योंकि ये परसेंटेज वो तरीका है जो आप दुनिया के कोई भी टीचर से पढ़ लो, इससे बेटर फिर आपको परसेंटेज नहीं कोई पढ़ाएगा। आपको सबकी समझ आएगी, कोई कैसे भी करवा रहा है, हर एक टीचर की समझ आएगी। बस इस बेसिक पे काम करिए। आपके लेवल से मैंने हाई लेवल तक उठा के आपको परसेंटेज सिखाने की कोशिश किया, क्योंकि मैं जब SSC GD तक को पढ़ाता हूँ तो भी ये चीज़ें सिखाता हूँ, उसके बाद ही तो मैथ आसान होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं गाइज। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए इसको करना सॉल्व। क्या बोल रहा है कि 2450 परसेंटेज ऑफ 50, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है। जब तक चीज़ों को नहीं पढ़ोगे डिफ़िकल्ट तो लगेंगी, बहुत आसान है। अब यहाँ पे एक चीज़ सीखने की कोशिश करना, मैं बोलता हूँ ए परसेंटेज ऑफ बी, मान लो ए परसेंटेज ऑफ बी निकालना है, तो इसको ऐसे लिखेंगे हम कि ए बाय 100 ऑफ बी, ऐसे लिख सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इसी चीज़ को ऐसे लिख दूँ बी परसेंटेज ऑफ ए, तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, इसमें आ जाएगा बी बाय 100 मल्टीपल ए। अब इस 100 को ए के नीचे लिखो चाहे बी के नीचे लिखो, आंसर तो सेम रहने वाला है। अगर मैं इस 100 को यहाँ पे भी लिख दूँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा, नीचे तो मल्टीप्लाई है, कहीं भी लिख दो, इसके नीचे लिख दो, यहाँ पे लिख दिया, इसका मतलब ए परसेंटेज ऑफ बी, बी परसेंटेज ऑफ ए एक ही बात है। अगर इस क्वेश्चन को मुझे करना है, इसको मैं सोल्यूशन ऐसे बना लूँगा कि अगर मैं ऐसे लिख दूँ 50% ऑफ, तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा इसको, क्योंकि ए परसेंटेज ऑफ बी, बी परसेंटेज ये दोनों एक ही बात है ना। नीचे वाला 100 इसके नीचे लिखो, इसके नीचे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब बताइए 50% कितना होगा, तो 50% इसको कैलकुलेट मत करो, सीधा सोच लो ना, इसका 50% इसका आधा होगा, इसका आधा कितना होगा, इसका आधा मतलब इसको 1/2 करूँगा, 50 को 2450, तो आधा बना दो इसका 1225, आंसर आ गया 1225, डेट इज़ ऑप्शन नंबर ए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप अगर समझ आए तो ये क्वेश्चन भी आसान था, इसको बिना पेन लगाए कर सकता था। 2450 का आधा कितना होता है, 1225 ही होता है, क्योंकि 50% निकालना है, तो मतलब मैं इसको उल्टा लिख सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे आप 2450% निकालो 50 का, चाहे 50% निकालो 2450 का, एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए गाइज, 98% आर 2600 कितना होगा। एक तो इसका तरीका ये रहेगा सर, 98/100 इंटू 2600, 2 0 से 2 0 कट गए, दोनों का मल्टीप्लाई करवा दो, 8 × 6 = 48 का चला गया 4, 9 × 6 = 54 और 16, 54 और 16 कितना होगा 70 और 4 कितना होगा 74, चला गया कैरी 7, 9 × 2 = 18 और 7 कितना होता है 25, आंसर कितना आगा 2548। ऑप्शन दिख रहा है, पहला ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन मैं इसको बोलता हूँ एक तरीके से और सोचिए, क्योंकि जितने तरीके से चीज़ों को सोचोगे उतना ही दिमाग खुलेगा और काम करेगा। आपको निकालना था 98%। अब आप एक चीज़ देखना कि अगर मैं इस नंबर का 100% निकाल दूँ, 100% इज़ 2600, तो आपको पता है किसी भी नंबर का 100% कितना होता है, किसी भी नंबर का 100% कितना होता है, 100% मतलब पूरा। मान लो आपके पास 2600 रुपीज़ है, मैं बोलता हूँ मेरे को 100% दे दो, इट मीन्स कि मैं आपसे क्या कर रहा हूँ, मैं बोलता हूँ जितना भी है सारा ही दे दो, तो इसका 100% 2600 ही होगा। करके देख लो, 100% ब्रेक किया 100 × 2600, कैंसिल ईच अदर, देन आंसर विल बी 2600। इसका मतलब किसी भी नंबर का 100% तो सेम होता है। यहाँ पे देखो मैं मेथड क्या कर रहा हूँ, मैं अगर पूरा 100% निकाल दूँ तो 100% कितना आ गया 26, ये है आपका 100%, इसमें से माइनस कर दो कितना 2%, तो आंसर आ जाएगा। तो इसका 2% निकालना आसान था, 2% कितना होगा 1% हो गया 26, 2% हो गया 52, तो माइनस कर दो, आंसर कितना आ गया 2548। मैंने कैसे सिखाया, मैंने आपको बोला कि इसका 98% निकालने से बेटर है कि आप ऐसे सोचो कि इसका बिना पहले का सोचो कि 100% तो यही रहेगा, तो 2% ही तो कम है खाली, तो 2% कम कर दो 98 बन जाएगा। मैंने जैसे ही 100 में से 2% कम किया तो 98% बन जाएगा और यही तो आंसर होगा। 100% 2600 है, 2% इसका कितना है 26, 26 52 माइनस के आंसर आ गया।
ऐसे भी आप क्वेश्चन को कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन भी आपको समझ आए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, यही है वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ जो आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं क्वेश्चन। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 7 और 8 देखिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 25% ऑफ अ नंबर। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले तो ये था किसी भी नंबर का 25% ऑफ नंबर दिया होता, जैसे मान लो 25% ऑफ, यहाँ पे वो नंबर दे दिया होता था निकालो। इस बार ये नहीं दिया, जो आंसर आ रहा था वो दे दिया। ये एक ही टाइप में तीन टाइप के क्वेश्चन बना सकता है, मतलब एक ही टाइप में तीन टाइप बना के क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला टाइप तो ये था सिंपल सीधा जो आपने सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ा। इस टाइप में क्या है, देखो ध्यान से करना आपको, क्वेश्चन बहुत आसान है। मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूँ आपको क्या करना है। तो अगर आप बाय ऑप्शन करते हो वो भी सिखाता हूँ, पहले आप सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। आपको देखना है कि 25, आप ऐसे करिए, मेथड नंबर फर्स्ट से मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन में क्या दिया, 25% ऑफ नंबर नहीं पता, तो इसको मैं क्या मान लेता हूँ, इसको ए बी सी डी एम एन एक्स वाई कुछ ही मान लो। मान लो मैंने एक्स ही मान लिया, ये हम लोग एक्स को रिमूव करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक्स का कोई काम नहीं होता लाइफ में। तो नंबर की जगह मैंने एक्स रख लिया, अब एक्स ही निकालना। तो इसके बाद जो भी होगा उसको इक्वल टू के पार रख देना, बस इसको करो सिंप्लीफाई, आपको एक्स मिल जाएगा। 25% का मतलब होता है 1/4 लिख सकता हूँ, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, एक्स का मतलब एक्स इक्वल टू 340। बताइए, अब मैंने आपको इक्वेशन सॉल्व करना सिखाई थी, यही वो रीज़न है, डेट इज़ द रीज़न बिहाइंड कि मैंने आपको हर एक चीज़ सिखाई थी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि बेसिक जब क्वेश्चन करो उसमें आपको मुझे बार बार चीज़ें सिखानी पड़े, क्योंकि मैं ये चीज़ समझता हूँ, मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छी तरह से समझ है कि बच्चों का माइंड कितना होता है, कहाँ तक चलता है। मैंने बहुत टाइप के बच्चे देखे हुए हैं, आर्मी से लेके के बैंक पीओ तक, एसएससी सीजीएल तक मैंने सबको पढ़ाया हुआ है, और मुझे पता है बच्चों का दिमाग कहाँ तक चलता है। इसलिए मैंने सारी बातें पहले से सिखा दी, ताकि आपका ये एक्सक्यूज़ ख़त्म हो जाए कि सर हमें मैथ नहीं आता। भाई किस वजह से मैथ नहीं आता, उस पर तो काम करो थोड़ा, मैथ कोई बड़ी चीज़ थोड़ी है। अब ये चार कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो एक्स कितना आ गया, 0 × 4 0, 4 × 4 कितना होगा 16, कितना बच गया आपका 1, 12 और 1 कितना हो गया 1360, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे गाइज मैंने आपको क्या बताने की कोशिश करी, मैंने ये बताने की कोशिश करी कि आपको पहले तो लिखना जानना है। उसने बोला था 25%, मैंने 25% लिख लिया, ऑफ का ऑफ लिख दिया, नंबर नहीं दिया था तो मैंने नंबर मान लिया ए बी सी एक्स वाई जेड कुछ भी मान लो। इक्वल टू इज के बाद जो भी दिया होगा वो मतलब यही है, इस नंबर का ये इसके बराबर है, इसको हमेशा बराबर रख देना, क्योंकि अगला क्वेश्चन आएगा वो कन्फ्यूज़ करेगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अब मैं आता हूं दूसरे मेथड से, मेथड नंबर 2। तो उस मेथड को मैं क्या नाम दूंगा, बाय ऑप्शन। मैंने बोला बाय ऑप्शन सॉल्व कर लो, आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन को पहले दिमाग में बैठाओ, क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है। पहले क्वेश्चन को जब तक, देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैथ में, जितने क्वेश्चन आप खुद बना सकते हो ना, वो क्वेश्चन आपको कभी नहीं बोलेंगे, और वो मेथड कभी नहीं भूलेंगे आपको। इसलिए क्वेश्चन के मेथड को पढ़ने की कोशिश करो, क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकता है। जैसे मैंने ये, मुझे पता है ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, मैं अपने से ही क्वेश्चन बना के आपको करवा रहा हूँ। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेंगे, और ये क्वेश्चन आए हुए हैं सारे, छोटे छोटे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट बच्चों को कहाँ पर गलती लगती है, यहाँ पर, जैसे ये क्वेश्चन है ना अगला, बच्चे सोचते हैं बड़ा डिफिकल्ट हो गया, कैलकुलेशन बड़ी टफ आ गई, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने आपको सब कुछ पढ़ाया हुआ है। ऑप्शन से कैसे करेंगे, आप खुद सोचो कि बोल रहा है कि बताइए किस नंबर का 25% निकालूं तो वो ये आ जाए 340, तो वो नंबर क्या होगा। तो आप ऑप्शन देख लो, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका मैं 25% लूँ वो 340 आ जाए। अगर मैं पहला ऑप्शन पकड़ूँ, इसका 25% देखूँ क्या 340 आता है, भाई 10% 140, 20% 140 और जोड़ दो 280, और 5% और, इसका 5% कितना होगा 140 का 5% 70 और हो गया, 280 और 70 350 हो गया, ऊपर चला गया, ये मेरा आंसर नहीं होगा। फिर मैंने दूसरा ऑप्शन पकड़ा, इसका 10% लिया 136, 20% निकालो 136 और 136 कितना होगा 272, और 5% 136 का आधा कितना होता है 65/3 68, तो कितना आ गया 10 7 13 14 का 1 और 2 और 1 3 340 आ गया, यही मेरा आंसर है। तो बस ये मैं ये सिखाना चाहता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ होना चाहिए कि वो पूछ क्या रहा है, मुझे निकालना क्या है। क्वेश्चन ने ये बोला था कि ऐसा मुझे नंबर बता दीजिए जिसका मैं 25% निकालूं, कैलकुलेशन करूं और वो 340 बन जाए। मैंने ऑप्शन से देखा किसका बन रहा, सीधा आंसर आ गया, क्योंकि मुझे ये दिमाग में करना आता था। ठीक है, चलिए आई होप कि आप
ऑप्शन से भी सीख गए होंगे और सिंपलीफाई भी सीख गए होंगे। चलिए मेथड नंबर टू की तरफ बढ़ते हैं। मेथड नंबर टू हो गया बाय ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर एट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर एट क्या बोल रहा है, 42.84% ऑफ। आपने देखा था कि 42.67% किसकी फ्रैक्शन होती है, ये होती है 3/7 की, और इसी को जब पॉइंटों में लिखेगा तो 42.84। तो देखो इस सात वाले का बहुत इजी होता है, जैसे आप 2/7 निकालोगे ना वो आएगा 28 4/7, लेकिन पॉइंटों में दिखेगा तो थोड़ी दिक्कत होगी। इसका पॉइंट ऐसे बनता है 28 और पॉइंट लिखोगे 56, सीधा सीधा इसका डबल। मैं बोलता हूँ 3/7, आप बोलोगे सर 42 6/7, पॉइंटों में लिखोगे तो 42 का 42 और इसका पॉइंट लिखोगे तो इसका डबल हो जाएगा 84। ये बहुत आसान होता है, बस डबल करना होता है, तो यही तक आपका इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब अगर मुझे इसको निकालना है तो 42 6/7 कितना होता है, ये होता है सर 3/7, और ऑफ का मतलब ऑफ, ये नंबर है मुझे नंबर नहीं पता, इसको रखना है बराबर 900 के, तो नंबर निकाल लो। हो गया क्वेश्चन। मैंने आपको कैलकुलेशन में सिखाया था कि ये आमने सामने कट जाते हैं अगर मल्टीप्लाई हो तो, काट दो इसको यहाँ से, 3 कट गया 3 के साथ कितना आ गया 300, और एक्स को इससे मल्टीप्लाई कर दो, एक्स 7 ऊपर चला जाएगा, 3 7 21। अब मैं आपको ये नहीं सिखाने वाला कि बेसिक कैलकुलेशन कैसे करनी है, ये मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। तो इस बेसिक 8 क्वेश्चन में मैंने आपको एक चीज़ सिखाने की कोशिश करी कि परसेंटेज को फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे यूज़ करना है, चीज़ों को दिमाग में कैसे करना होता है, और अगर इस पे मेहनत करोगे तो आपका मैथ बहुत अच्छा हो जाएगा। बेसिक चीज़ों पे काम करिए, बस मैं इतनी सी बात कहता हूँ कि मैथ बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है। मैंने आपको बोला था कि मैथ इजी बना दूंगा तो मैं बना के छोड़ूंगा, बस आपकी थोड़ी सी मेहनत चाहिए, ठीक है, थोड़ी सी मेहनत करो आप। चलिए दो क्वेश्चन और लेते हैं अगर टाइम है तो, फिर हम कल क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर देखिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9th और 10th देखिए। क्वेश्चन नंबर 9th क्या बोल रहा है, क्वेश्चन आसान है, थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9th बोल रहा है, अगर 20% ऑफ अ नंबर इज 5400 है तो उसका 60% कितना होगा। तो एक तो मैं आपको बेसिक जो करवा रहा हूँ उससे करवाऊंगा, और इससे भी एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिसमें आप डायरेक्ट आंसर निकाल पाओगे। पहले तो आप देखो नंबर निकालने के लिए आपको क्वेश्चन दिया है 20% ऑफ, नंबर नहीं पता तो एक्स मान लेते हैं, इज के बराबर इक्वल टू वाला उस साइड रखेंगे। तो यहाँ से पहले तो मैं नंबर निकालूंगा, फिर उसी नंबर का फाइंड 60% ऑफ डैट नंबर, तो पहले नंबर निकालो फिर उसका 60% इसका आंसर होगा। तो नंबर निकालते हैं, 20% कितना होगा 1/5 ऑफ का मल्टीप्लाई एक्स का एक्स इक्वल टू 5400। तो एक्स निकालने के लिए 5 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो गया 0 0, 5 का 20 का 2 25 और 2 27, इसका मतलब मुझे नंबर मिल चुका है, मुझे नंबर मिल चुका है। इस नंबर का क्या निकालना था, 60%। तो पहले नंबर निकालने के लिए ये कंडीशन दी गई थी, अब निकालेंगे 60% ऑफ नंबर। तो नंबर कितना है 27000। तो 60% कितना होता है 3/5 3/5, क्योंकि 1/5 होता है 20, 20 को 3 से किया हुआ है, तो इसका आ गया 27000। ये 5 कट गया, 5 5 25, 2 2 20 बन गया, 5 2 20 4 के साथ, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो 0 0, 4 × 3 12 1 5 15 1 16, आंसर कितना आ गया 16200। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। मतलब इस केस में मैंने क्या किया, मुझे पहले क्वेश्चन यहाँ तक कर रहा था, मैं नंबर नहीं कर रहा था, लेकिन अब एक्स्ट्रा पार्ट क्या पूछा उसने, नंबर नहीं पूछा आपसे, क्वेश्चन आपको नंबर नहीं पूछ रहा, क्वेश्चन पूछ रहा है कि उस नंबर का आप 60% निकाल के बताओ, फिर मैंने 60% निकाल दिया। अब आते हैं हम लोग मेथड नंबर 2 पे। अब देखिए इसको आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। मेथड नंबर 2 क्या बोलता है, बोल रहा है कि अगर किसी नंबर का 20% ऑफ नंबर वो कितना है 5400, तो इसी नंबर का सेम रख के, नंबर तो यही रखना है ना, क्योंकि नंबर तो यही है, पहले भी किसी नंबर को एक्स मान रहा था और यहाँ पे वही नंबर रखा है एक्स ही, तो इसका मतलब इसी नंबर का 60% 20 क्या बनाना है आपको 60%। तो आपने देखा कि सिंपली इसी को तो ट्रिपल करना था, अगर 20% की वैल्यू इतनी है तो 60% कितना होगा, नंबर तो सेम ही है ना, एक ही नंबर का पूछ रहा है,
तो इस केस में आप बोलोगे 20% अगर इतना है तो 60 बनाना है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, तो इधर भी 3 से कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। देखो यहाँ पे लास्ट पे इसी को 3 से करना था, बस कितना आ गया 16200। ये हो गया इसका शॉर्टकट मेथड, मतलब एक ही नंबर का उसने मुझे 20% दिया था, उसी नंबर का मुझे 60% निकालना था। तो मैंने क्या किया, 20% मुझे पता था, 60 मतलब 20 का 3 गुना है। अगर किसी नंबर का 20 दिया, मैं 40 पूछता तो मुझे पता है इसका डबल किया है, तो इसको भी डबल कर दो, क्योंकि 20% अगर ये है तो 40% क्या होगा, डबल। ऐसे ही तो कर रहे थे ना कि आपको 10% पता होता था, 10 मान लो 100 है तो 25% कितना होता है, तो आपने देखा कि 10% अगर 100 है तो 20% 200 हो गया, 5% इसका आधा मतलब 250 हो गया 25। ऐसे ही तो बना रहे थे ना, 25% 26% निकाल रहे थे। तो वैसे ही अगर आपको 20% पता है तो 60 नहीं बना सकते थे, 20 को 3 गुना करना है तो 3 गुना कर दो, इसको आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, क्वेश्चन नंबर 10 है ये, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए रहेगा होमवर्क। 5% दिया है, 125% बनाना है, ये आई होप कि आप कर पाओगे, ये रहेगा आपका होमवर्क, इसको करके मुझे आप कमेंट सेशन में आंसर बताओगे। तो आज की क्लास कैसी लगी, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन करवाए मैंने आपको, धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाते जाएंगे और हम लोग इसको टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, जैसे परसेंटेज में आपके अलग अलग इलेक्शन वाला टाइप बनता है, एग्जामिनेशन वाला टाइप बनता है, उसके बाद आपका सैलरी वाला टाइप बनता है, सैलरी के बाद आपका सिंपली इंक्रीज डिक्रीज का टाइप बनता है, तो हर एक टाइप को हम एक एक करके ख़त्म करेंगे और आपको बहुत अच्छी से चीज़ें समझ भी आएंगी। बस अब आगे का मैथ बिल्कुल आसान है, मैंने आपको क्या बोला था, इक्वेशन सॉल्व करना, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, प्लस माइनस करना, ये आना चाहिए, मैथ बहुत आसान है। सो क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आपके रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी क्लासेस कैसे रहने वाली हैं। तो बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप जैसे हमें प्यार देंगे उसी तरीके से आपको कंटेंट भी देंगे। बाकी अगर आप इंडिविजुअल कुछ पढ़ना चाहते हैं मेरे पर्सनल चैनल पे, तो BMC क्लासेस विद अजय लिखिए तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, वहाँ पे साइंस इकोनॉमिक्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ पे इंग्लिश भी चल रही है, जिसमें आपके 10-11 लेक्चर हो चुके हैं, 12, तो इंग्लिश भी पढ़ सकते हो, कंप्यूटर भी चल रहा है, बाकी इस चैनल पे तो सब कुछ मिल ही रहा है। तो चलिए मिलते हैं क्लास में, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।